Class 10 students, this is Chandana Rai and you're watching our YouTube channel, The Royal Academy. So, class 10 के सारे students में आपके हर एक chapter, हर एक poem, हर एक grammar topic, यानी कि आपके पूरे के पूरे syllabus की एक एक video करके डालूंगी. तो आप लोग इस channel को subscribe करें ताकि आपके syllabus में जितना भी जो भी कुछ आना है वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा. अच्छे से study कीजिए. If you want me to link the PDFs तो वो भी हो जाएगा. So, let's get started. ठीक है, आप लोग जो बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन आए हुए हैं सब लोग अपनी बुक्स वगैरह निकाल लें. राइट, तो आज का जो हमने पोएम डिस्कस करना है दैट इज टाइगर इन द जू. एक्चुअल में टाइटल मैंने गलत लिख दिया है, इट्स अ टाइगर इन द जू. ठीक है, अब ये अ और द कई बार एमसीक्यू में आपको यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, और वहां पे लिख देंगे ए पार्ट में अ टाइगर इन द जू, बी पार्ट में द टाइगर इन द जू. ऐसे भी क्वेश्चन वो लोग बनाने लग गए हैं. तो आपको याद रखना है इट्स अ टाइगर इन द जू. ठीक है, तो पोएम शुरू करने से पहले यहां पर आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूं कि ये पोएम लिखी है लेज़ली नॉरिस ने. लेज़ली नॉरिस जी जो है ये काफी सारी शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स लिख चुकी हैं, और इन्हीं की लिखी हुई पोएम अ टाइगर इन द जू आपकी 10th क्लास के सिलेबस में है. नेक्स्ट, अब हमें समझना है कि इस पोएम का मैसेज क्या है. ठीक है, इस पोएम का मैसेज क्या है. मैसेज है कि जब टाइगर्स को जू में डाला जाता है, आई एम श्योर आप लोग कभी ना कभी जू गए होंगे. राइट, तो जू में क्या होता है, एनिमल्स को केज के पीछे डाल देते हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस. हम लोग जाते हैं, जब हम छोटे थे तब हम लोग ज्यादा इंजॉय करते थे, है ना, क्योंकि तब हमें समझ नहीं थी. हम जाते थे, एक एक एनिमल को देखते थे, वी यूज टू एंजॉय आवरसेल्व्स अ लॉट. तो अब मैसेज क्या है यहाँ पर, जो टाइगर जू में रहते हैं वो फ्रीडम से डिप्राइव्ड हो जाते हैं, यानी कि उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली जाती है. वो डिप्राइव्ड होते हैं नेचुरल हैबिटेट से, यानी कि उनको नेचुरल हैबिटेट क्या है, उनका फॉरेस्ट जंगल वही होना चाहिए ना वाइल्ड एनिमल्स को. तो उससे वो लोग क्या हो जाते हैं, डिप्राइव्ड हो जाते हैं. और उसके बाद एनिमल्स जो है, यहां मैंने लिखा है दे सर्वाइव बेटर इन द नेचुरल हैबिटेट, जो याद रखने वाली बात है कि एनिमल्स जो होते हैं वो जब अपने नेचुरल हैबिटेट में होते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से जिंदगी को जी पाते हैं. सीधी सी बात है, हम अगर ह्यूमन बींग से कंपेयर कर ले, अगर एक ह्यूमन बींग को बिहाइंड बार्स रखा जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एक हमें पनिशमेंट जैसी लगेगी ना. जब कोई पनिशमेंट देनी होती है तो प्रिजन में डालते हैं ना. प्रिजन में एक इंसान एक उसमें चार दीवारी में बंद है ना. तो अब इन बेचारों ने ऐसा क्या कसूर किया है जो हम इन्हें वही लाइफ दे रहे हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं. मैंने यहां थीम भी लिखा हुआ है दैट इट इज अनजस्टिफाइबल एंड अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ मैन टू एनस्लेव. एनस्लेव मतलब अपना गुलाम बनाना, अपना स्लेव बनाना वाइल्ड एनिमल्स. तो ह्यूमन बींग्स के पार्ट पर ये बहुत ही गलत चीज है कि हम एनिमल्स को, जानवरों को, ठीक है, अपने फायदे के लिए जो है उनको यूज कर रहे हैं. मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर होगा, समझ आ गया होगा. तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, पोएम देखेंगे. लिटररी डिवाइसेस और वर्ड मीनिंग्स मैंने यहां लिख दिए हैं ऑलरेडी, ये भी साथ साथ हम लोग पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो पोएम का मैं आपको एक बेसिक बता देती हूँ. इस पोएम में कंपैरिजन किया गया, जैसे कि क्या होता है, पहले स्टैंजा में आप देखेंगे टाइगर जब जू में है तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे जिंदगी को जी रहा है. फिर सेकंड में हम स्टैंजा में देखेंगे कि टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तब वो कैसे जिंदगी जी रहा है, क्या एक्टिविटीज कर रहा है. राइट, तो यहां पर ऐसे करके आपको हर स्टैंजा में पहचानना है कि यहां पर टाइगर जू में है या नेचुरल हैबिटेट में है. तो पहला है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज On pads of velvet quiet in his quiet rage. तो हमें यहाँ पर दिखता है क्या लिखा हुआ है, He stalks in his vivid stripes. Moves. वो मूव कर रहा है. Vivid मैंने यहाँ लिख रखा है bright. ठीक है, ब्राइट स्ट्राइप्स हैं उसकी, आप लोग लिखते जाइए साथ साथ. ठीक है, लिख लिख कर कीजिए बेटा, आपको कोई भी मीनिंग मिस ना कर दें. The few steps of his cage. देखिए वो केज में बंद है. ठीक है, अब केज में ज्यादा जगह है नहीं है तो वो कुछ ही स्टेप्स ले पा रहा है, कुछ ही स्टेप्स चल पा रहा है. तो हमने क्या सीखा कि वो मूव करता है, अपनी ब्राइट स्ट्राइप्स हैं उसकी बॉडी के ऊपर, लेकिन बेचारे के पास ज्यादा जगह नहीं है चलने के लिए. ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. देखिए बेटा, वेलवेट का कपड़ा आपने कभी पहना होगा, कभी टच किया होगा, कितना वो सॉफ्ट सा होता है ना, एकदम वेलवेट. ठीक है, बिल्कुल मक्खन की तरह. तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो वेलवेट के उसके जो पैर होते हैं, पैर जैसे जो होता है टाइगर का, मेरी ड्राइंग तो हालांकि काफी खराब है,
बट आप लोगों के लिए कोशिश कर सकती हूँ। तो ये जैसे उसका पैर होता है, ये जो नीचे का जो पोर्शन है वो ऐसा सॉफ्ट है जैसे वेलवेट का बना हो, ठीक है। तो साथ साथ यहाँ पर लिटररी डिवाइस को भी समझ लेते हैं। लिटररी डिवाइस यहाँ पर जो यूज हुआ है वो है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जब हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को, लेकिन हम वो कंपैरिजन करते हैं विदाउट लाइक या विदाउट एज शब्दों का इस्तेमाल किए। जैसे मैं बोलूं, जैसे वैभव बैठा हुआ यहां पर, तो मैं बोलूं वैभव इज लाइक अ टाइगर, तो वो सिमली हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? सिमली, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं वैभव इज अ टाइगर, तो ये क्या बन गया? मेटाफर, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला वैभव इज अ टाइगर, मैंने बोला ये टाइगर ही है, ये मैंने कंपेयर किया है, लेकिन बिना लाइक या बिना एज शब्द का इस्तेमाल किए किया है, राइट। तो ये मेटाफर होता है। तो यहां पर पोएट कंपेयर कर रहा है टाइगर के पैरों को किसके पैरों के साथ? जैसे कि वो वेलवेट के बने हो, ठीक है, पैड्स ऑफ वेलवेट, राइट। तो अब आगे देखते हैं, इन हिज क्वाइट रेज। अब यहां पर आ गया कि वो जो टाइगर है, ठीक है, टाइगर जो है वो मूव करता है अपनी विविड स्ट्राइप्स में अपने केज के अंदर। केज ज्यादा बड़ा तो है नहीं है, तो बेचारा कुछ ही स्टेप्स ले पाता है केज के अंदर। और उसके बाद अब उसको अंदर से क्या है बेटा, वो बहुत गुस्से में है, वो रेज जो है उसका, उसको गुस्सा आया हुआ है, लेकिन वो चुपचाप घूमता है इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है। आपको ये चीज समझनी है, कई बार ऐसा होता है हमें गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन हम कुछ कहते नहीं है किसी को, हम बस चुपचाप घूमते रहते हैं, हमें गुस्सा आया हुआ है, हम बात नहीं कर रहे हैं किसी से। तो यहीं पर टाइगर का भी सेम सिचुएशन है। अगर आप कभी जू गए हो, आप बचपन की वो यादें एक बार ताजा कर लो दिमाग में, आपने जब वो टाइगर को देखा था या लायन को देखा था, वो बैठे हुए थे शांत, है ना, शांत बैठे हुए थे, ज्यादा थोड़े से लेजी टाइप्स लग रहे थे और कुछ नहीं करते, बस बैठे हुए थे, राइट। तो ये क्या होता है कि वो गुस्से में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्वाइट रेज, अब क्वाइट रेज से हमारे पास यहाँ पर लिटररी डिवाइस भी आगे नोट करते जाएंगे साथ साथ। ऑक्सीमोरॉन, मैंने यहाँ मीनिंग भी लिखा हुआ है कि ऑक्सीमोरॉन लिटररी डिवाइस का क्या मतलब है। जब दो कॉन्ट्ररी शब्दों को एक साथ इस्तेमाल किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरॉन। जब दो, अक्वाइट मतलब शांत, रेज गुस्सा, दोनों शब्दों को एक साथ रख दिया इन्होंने भाई साहब पोएम के अंदर, तो किस चीज का इस्तेमाल किया इन्होंने? ऑक्सीमोरॉन का, राइट। अब एक और चीज है, एक और लिटररी डिवाइस है यहां पर, वो कौन सा है? वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसका क्या मतलब होता है? जब किसी चीज की क्वालिटी को किसी और को दे दिया जाए तो वो बन जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। जरा ध्यान से सोचेंगे, यहां पर क्वाइट असल में कौन है? टाइगर। टाइगर क्वाइट है ना, गुस्सा थोड़ी क्वाइट है, लेकिन ट्रांसफर कर दिया ये जो शांत रहने की क्वालिटी है क्वाइट को, ट्रांसफर कर दिया रेज के साथ। तो ये क्वाइट रेज पे एक्चुअली दो दो लगे हुए हैं हमारे यहां पर, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन भी और ट्रांसफर्ड एपिथेट भी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है He should be lurking. अब next stanza पे चलें, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है, next stanza पे चलते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. तो पहला stanza था जब टाइगर कहां पे था? टाइगर केज में था। टाइगर बेचारा अपने ब्राइट स्ट्राइप्स में घूम रहा था, केज छोटा है, कुछ ही कदम ले पा रहा है जी, अपने गुस्से को पीकर चुप रहकर बेचारा घूम रहा है। अब जो दूसरा स्टैंजा है उसमें बताया गया है टाइगर को एक्चुअल में कहां होना चाहिए? टाइगर को होना चाहिए जंगल के अंदर। तो यहां पर जंगल का सीन बता दिया। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग का मतलब लिखा हुआ है हिडन। जैसे शिकार करते वक्त टाइगर शिकार करने जाता है ना, तो छुपा होता है पहले देखता है कि शिकार को, दूर से देखता है, छुप कर देखता है, जब सही टाइम लगता है तब जाता है। तो ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, उसे शैडो में छुपे होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, अब लंबी लंबी ग्रास लगी हुई है तो उसके बीच में से टाइगर छुप कर देख रहा है, ठीक है, किसको? नियर द वॉटर होल के पास कौन है? प्लम्प डियर पास। अब प्लम्प होता है फैट, मैंने लिखा हुआ है। तो यहां पर जंगल का खूबसूरत सा सीन बताया हुआ है, कैसे लॉन्ग ग्रास के पीछे एक टाइगर छुपा हुआ है और वो प्लम्प डियर यानी कि मोटे डियर की वेट कर रहा है या उसको देख रहा है जो कि पानी पीने के लिए वॉटर होल के पास आता है ना। तो ये होनी चाहिए थी टाइगर की रियालिटी, लेकिन टाइगर तो बेचारा कहां बैठा हुआ है? वो तो जू में बैठा हुआ है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? सेकंड स्टैंजा तो बहुत सिंपल था। जब टाइगर कहां पर है? लर्क कर रहा है, छुपा हुआ है शैडो के अंदर लॉन्ग ग्रास के बीच में,
ठीक है, नियर द वॉटर होल. और ये ग्रास कहाँ पर है, ये नजारा कहाँ का है, वॉटर होल के पास का है. वॉटर होल के पास वो क्यों है, क्योंकि वहां से प्लम्प डियर, मोटा वाला जो डियर होता है, हिरन होता है, वो पास करता है. अब थर्ड स्टैंजा पे आते हैं. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. हमें एक चीज समझनी है. यहाँ पर देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम जंगलों का इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको काट देते हैं, अपने घर अपनी फैक्ट्रीज बना लेते हैं, है ना, तो नेचुरल हैबिटेट छीन लेते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. अब यहाँ पर जैसे बताया हुआ है कि जो हमारा टाइगर है उसको एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए था, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नार्लिंग, टू मेक एन एंग्री साउंड. तो टाइगर को एक एंग्री साउंड जो है वो उसको एमिट करनी चाहिए अपनी, ठीक है, एट द जंगल, जंगल के किनारे पर जाकर. वहां क्यों, बारिंग इज व्हाइट फैंग्स, व्हाइट फैंग्स यानी कि व्हाइट टीथ, उसके जो लंबे लंबे टीथ है उसको वो दिखाने चाहिए, ठीक है, हिज क्लॉज, उसको पंजे दिखाने चाहिए, और विलेज को टेररराइज करना चाहिए, विलेज को डराना चाहिए. तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि इस स्टैंजा में बताया है पोएट ने कि उसको तो जी गुस्से वाली साउंड निकालनी चाहिए जंगल के एज पर जाकर, है ना, और उसको अपने व्हाइट फैंग्स दिखाने चाहिए. देखो विलेजर्स को उसको मारना नहीं है, खाना नहीं है, खाली डराना है, टेररराइज करना है गांव वालों को, ठीक है, क्योंकि ऐसे हम सुनते हैं ना, न्यूज में भी आता है कि गांव में टाइगर देखा गया है ना, तो टेररराइज करना चाहिए. अब फिर से अगला स्टैंजा आ चुका है हमारे पास, अगले स्टैंजा पर देखते हैं. अच्छा एक चीज मैं भूल गई बताना, बिल्कुल हमारी पोएम की शुरुआत ही देखो कहां से हो रही है. ही स्टॉक्स इन हिज वाइट स्ट्राइप्स, ही का इस्तेमाल किया गया है. तो यहाँ पर जो ही है वो तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, पर्सोनिफिकेशन मैंने लिखा हुआ है. देखिए अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को, सॉरी नॉन लिविंग चीज भी नहीं कह सकते, जैसे यहाँ पर टाइगर को इट यूज करना चाहिए था टाइगर के लिए, है ना, लेकिन टाइगर के लिए क्या यूज किया जा रहा है, ही यूज किया जा रहा है. तो यहाँ पर क्या किया गया है, टाइगर को पर्सन की क्वालिटी दे दी गई है, है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन. कई बार नॉन लिविंग चीजों के साथ भी ऐसा होता है, जैसे कि मैं बोलूं द रेन सेड, बट क्या रेन बोल सकती है, तो वहां पर भी क्या यूज होता है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा फोर्थ स्टैंजा आ चुका है जी. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. अब लेकिन टाइगर का सिनेरियो क्या है, वो असल में तो कॉन्क्रीट सेल यानी कि केज में बंद है वहां पर. His strength behind bars, उसकी जो ताकत है, जो एक टाइगर होता है, इट्स अ पावरफुल एनिमल यार, लेकिन उस पावरफुल एनिमल की ताकत कहां पर है, बिहाइंड बार्स है. यहीं से हमारा अगला लिटररी डिवाइस भी आ गया, कॉन्क्रीट सेल क जैसे यहां पर है, और साथ ही में बिहाइंड बार्स ब ब की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है. एलिटरेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बहुत सारे क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं, जब दो तीन शब्द साथ साथ हैं उन शब्दों में जो शुरुआती जो साउंड है, साउंड पे जाना है हमने, ठीक है, साउंड जो है वो बिल्कुल सेम आ रही है, जैसे सनी सनफ्लावर, स स बिहाइंड बार्स ब ब, ठीक है. तो अब ये हमारा टाइगर कर क्या रहा है, ये इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, राइट. तो अब आगे देखते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. तो अब ये टाइगर का जो दिन का अंत होता है वो कैसे होता है, देखिए जैसे कि क्या होता है, जू है, अब आप इमेजिन कर लीजिए बड़ा सा जू है, बहुत सारे केजेस हैं, अंदर बहुत सारे जानवर हैं, तो अब रात को पेट्रोलिंग करने के लिए वहां अंदर कार निकलती है, उसकी बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं, और वो जाकर हर केज को चेक करके आते हैं, सारे एनिमल्स ठीक से अपनी अपनी जगह पर है या नहीं. तो रात को उसकी मतलब रात का जो उसका अंत होता है, दिन की जो उसका अंत होता है, लास्ट वॉइस जो उसको सुनाई देती है वो उन पेट्रोलिंग कार्स की सुनाई देती है. पेट्रोलिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, वो गाड़ियां जो निकलती हैं एक बार राउंड लगाने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए सब एनिमल्स ठीक ठाक हैं, और वो अपनी ब्रिलियंट आईज, अब यहाँ ब्रिलियंट शब्द का इस्तेमाल किया गया, जैसे टाइगर की आईज होती तो बहुत अमेजिंग है, बहुत ज्यादा जिसको कह सकते हैं अट्रैक्टिव होती है उसकी आईज, तो शायद उसकी वजह से उन्होंने ब्रिलियंट लिखा है, ठीक है. अब ब्रिलियंट आईज से वो क्या देखता है, ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है जो आसमान में है, ठीक है. पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा कि शायद मैं जंगल में होता तो मेरी लाइफ कैसी होती, तो वो अपनी ब्रिलियंट आईज से उन ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है, चमकीले स्टार्स को, चमकीली आंखों से अपनी वो देखता है, राइट. तो अब यहां ब्रिलियंट ब्रिलियंट दो बार रिपीट हुआ है, आप इसके लिए भी लिख सकते हैं, रेपिटेशन का इस्तेमाल हो रहा है, एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, लिख लीजिए बच्चे साथ साथ, ठीक है. तो ये थी अ टाइगर इन द जू.